हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक मैच कवर करने वाला हूँ, नॉर्वेजियन लीग का वीआईएफ वर्सेस एसबीजी के बीच मैच ही एनालाइज कर रहा था। तो ये एनालाइज होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। तो इस मैच की फाइनल टीम जो रहेगी वो आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे चैनल पर, जो कि है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और अगर कई बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। बस आपने टेलीग्राम पर सर्च करना है एबी रॉक ड्रीम 11 टीम्स, ये आइकन शो आपको हो जाएगा और 5.2 के सब्सक्राइबर्स वाले ग्रुप में आपने जुड़ना है। तो चलते आगे, और हम इस वीडियो में किसी भी चीज को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो अगर आप देखने आए हैं तो नॉलेजेबल के लिए देखना, सिर्फ ये नॉलेज के रिलेटेड है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बात करूँ यहाँ पे वीआईएफ के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा आए हैं, 2x चांस है। तो वीआईएफ के जीतने के चांस है 90% और 10% चांस सिर्फ एसबीजी के, 100 में से अगर देखा जाए। तो बात करूँ सबसे पहले गोल कीपर की, यहाँ से लूंगा फर्स्ट प्लेयर एंडर्स को। मैंने आपको ऐसे कि पहले ही बोला था कि इनका ऑलरेडी तो कभी काफी पहले मैचेज हुए थे वीआईएफ के साथ। तो बात करूँ अभी प्रीवियस मैच के अंदर, हालांकि अगर फॉर्म देखी जाए तो गोल सेविंग रेशियो कमाल का आया इस प्लेयर का, अराउंड 70% अबव, 70% प्लस इसका गोल सेविंग रेशियो आया, वो भी हर मैच के अंदर, बहुत बढ़िया। डिफेंडर की बात करूँ तो यहाँ से लूँगा फर्स्ट डिफेंडर बेंजामिन। बेंजामिन को मैंने आपको पहले बोला था जो मर्जी प्लेयर छोड़ देना, लेकिन बेंजामिन को मत छोड़ना, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने देखा कि थोड़ा क्रेडिट आया था तो मैंने ये प्लेयर छोड़ दिया, ठीक है, और उसकी जगह मैंने ट्राई किया बी कारम होगा। लेकिन जो आपके ओपोनेंट्स आएंगे उनके पास ये दोनों प्लेयर होंगे, क्योंकि वो लोग ह्यूज रिस्क नहीं ले रहे, बट वी आर टेकिंग ह्यूज रिस्क, ठीक है। तो आगे से बात करूँ हम यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि बी एस्क्वेरेट। तो मैं तो भाई वीआईएफ के फेवर में हूँ, मैंने एक आधा प्लेयर ले लिया तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बट मैं अभी जो मेरे आगे के जितने भी डिफेंडर्स हैं वो सारे वीआईएफ के हैं। फर्स्ट प्लेयर वॉज ब्रैड स्क्वेरेट, शायद इसने पिछला मैच नहीं खेला था, सिर्फ 2 डिफेंडर खेले थे, तो मुझे लगता है कि आज इनको डिफेंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंडर्स को मौका देना पड़ेगा। आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, क्रिश्चियन को लेने वाला हूं। क्रिश्चियन ने पिछले मैच के अंदर जोरदार क्लीन शीट तो देखो नहीं लगी थी, असिस्ट सॉरी, जोरदार असिस्ट के बाद भी 4 बार टैकल्स वॉन किए, और टैकल वॉन करना डिफेंडर के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। एंड आगे से बात करूं आई नेसबर्च की, तो यहां पे नेसबर्च ने भी बहुत बढ़िया खेला। ड्रीम टीम में नाम आना ही था दोस्तों, ओनली 2 डिफेंडर्स थे, मतलब मेन जो अगर देखा जाए तो वीआईएफ के मेन कॉमन डिफेंडर सिर्फ 2 ही थे। आगे से बात करूं मिडफील्डर की, द ग्रेटेस्ट पेनल्टी टेकर ऑफ ऑल द टाइम एरन डोनम, ये प्लेयर आज 12% है ना, आज ये धूम मचाएगा, मेरी बात याद रखना, ठीक है। अभी आज आप देखना, अभी आप देखना 1 घंटे 42 मिनट बाद कि ए डैनम ने 90 मिनट के मैच के अंदर मेरे हिसाब से एक आधा गोल मारना ही मारना है, और इस सिलेक्शन से मात खाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जितनी सिलेक्शन कम होगी उतने जीतने के चांसेस ज़्यादा। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एंटोन सेल्ट्रोस को ले रहा हूँ। एंटोन सेल्ट्रोस इज़ ऑल्सो गुड प्लेयर, और यहाँ पे एंटोन सेल्ट्रोस का मैंने नोटिस किया है कि ये प्लेयर कॉमन है, मतलब ये अगर ये गोल करता है, अगर ये नहीं भी करता तो हमें उसके पीछे का कोई कारण नहीं है नाराज़ होने का। एंड आगे से बात करूँ वन अनदर प्लेयर हैमरिक की, तो हैमरिक को भी मैंने आपको कहा था पिछले मैच में ट्राई कर लेना, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था कि टी क्रिश्चियनस को, लेकिन दोनों ही खास नहीं करके गए, सो इसलिए तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस जिसके साथ जाना है, जो आपके अंदर गट्स कहें वो जाए। आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, आईकॉन ने पिछले मैच के अंदर नाना करते हुए भी आखिरी मूवमेंट पे, मतलब मिडल मूवमेंट पे गोल कर ही दिया, और बेचारे को रेड कार्ड मिला हुआ है, तो मुझे लगता है शायद ही आज का मैच ना खेले, बट उसके बाद ऑलरेडी ना इसको कई बार चांस नहीं दिया, तो मुझे लगता है ये अगर ये ना खेला तो के ऑस्पेथ को मौका मिल सकता है। अभी मजबूरी है, अभी आप सेव एंड वेट करके रखिए दोस्तों, मेरी बात समझो। आई नो कि इसको रेड कार्ड मिला था, बट अभी के लिए ना क्या है कि इनका स्क्वाड नहीं आया मेरे पास, जब प्रॉपर स्क्वाड आएगा ना तो मैं आईकॉन को ड्रॉप कर दूंगा, बट अभी आप सेव एंड वेट करें। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एमर लेओनी, तो ये प्लेयर ना उतना खास नहीं है, काफ़ी लोग इसको कैप्टन चुन रहे हैं। गाइस गलती मत करो, क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, लेओनी को कैप्टन रखने के पीछे का कोई कारण ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सा स्ट्राइकर है जो एक आधी असिस्ट करता है। मैं ये नहीं कहता गोल नहीं करता, सीजन के अंदर गोल्स हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा गोल चाहिए देन यू कैन ट्राई दिस प्लेयर हैनरिक। हैनरिक उडल ने पिछले मैच के अंदर भी गोल किया था, जैसे अपनी अपनी आंखों देखी देखा। एंड आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है ए डोनम द ग्रेटेस्ट पेनल्टी टेकर, और वाइस कैप्टन है एच उडल द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर। तो ये रही मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।